करवाई हो और इनकी मांग सरकार सुने। कब सुनेगी सर सरकार इनकी मांग? अभी सुननी चाहिए, इसलिए इसलिए मैं भी 8 सितंबर को एजुकेशन मिनिस्टर से मैं अपॉइंटमेंट लूंगा कि उनसे मिलकर के इनकी आवाज़ को, इनके डिमांड को, इनकी बातों को रख सकूं। जी सर, ये पढ़े लिखे हैं और इनकी मांगे जब नहीं सुनी जा रही है, तो काम इनकी मांगे सुनने के लिए कितना समय लगता होगा आप बता सकते हैं? अभी तो नई सरकार बनी है, सरकार कोई भी हो, सर सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। सरकार गठबंधन नहीं है, उनकी पॉलिसी अलग थी उस गठबंधन की, इस गठबंधन की पॉलिसी अलग है। और हम लोगों ने तो एक उम्मीद है, विश्वास है, और हमारा भी अधिकार है ना सरकार पर। इन लोगों का हम लोगों ने सपोर्ट जब किया भी कोई आता है सिर्फ उम्मीद की बात करता है, लेकिन तो एज एमएलए हमारा क्या अधिकार है? हमारा अधिकार जो है कि एक सरकार के सपोर्टी दल के एमएलए होने के नाते हम लोग सरकार से बात रखें, इनकी आवाज़ को, इनकी डिमांड को गवर्नमेंट के पास, एजुकेशन मिनिस्टर के पास हम लोग रखें, और इनकी जो लड़ाई है, इनका जो आंदोलन है सड़क पे, यहाँ भी हम लोग सपोर्ट करें और विधानसभा में भी इनकी आवाज़ को हम लोग उठाएं। आप एमएलए हैं सर, और केके जो एडीएम थे केके सिंह, तिरंगा के ऊपर भी लाठी बरसाए और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। देखा था वीडियो, अच्छा, बहुत बर्बर तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई जा रही थी, इसलिए हम लोगों ने कंडेम किया था, इसलिए हम लोगों ने कंडेम किया था और लीगल एक्शन लेने की हम लोगों ने सरकार से मांग रखी। सर एक मिनट, सर मेरा प्रश्न कुछ होगा सर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम कि आप सर मेरे साथ आज जुड़ पाए। सर मेरा प्रश्न होगा कि आपकी पार्टी के बदौलत ही अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, क्योंकि आपका पीछे से बैक से आपका भी सपोर्ट है, तो आप सर यहाँ पे आकर कैसे बैठ गए, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा। इसलिए कि देखिए हम लोग इनकी मांग जाए तो इनके मांग के साथ हम और सरकार से इनकी आवाज़ को हम रखेंगे। इन लोगों ने हम लोगों को इनवाइट भी किया था, आज मैं आया भी हूँ शिक्षक दिवस के मौके पे, कि इनकी आंदोलन जायज है, इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। हमारे क्षेत्र में स्कूल है ना, तो वहाँ भी तो शिक्षक नहीं है। अच्छा सर, मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, आज शिक्षक दिवस को सारे लोगों को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन ये लोग कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं पटना राजधानी में, बिहार की राजधानी पटना में भीख मांग रहे हैं, काली पट्टी बांध कर घूम रहे हैं, ये होना चाहिए सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए इनकी जो मांग है, आंदोलन है, ये जायज है, पहली बात। आपकी सर सरकार और ये लोग आंदोलन का तरीका अपनाए हैं, पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, तो इनके मूवमेंट को, इनका जो एजिटेशन है, हम लोग ग्रीट करने आए हैं, सैल्यूट कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आज अगर वो नोटिफिकेशन जारी करने का अनाउंसमेंट करते हैं तो बिहार को एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। बट शिक्षा मंत्री तो स्पष्ट कल बोल दिए हैं कि हम 5 सितंबर को नया कुछ नहीं देने वाले हैं, ना ही नियोजित शिक्षक को देंगे और ना ही 7वीं नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, तो ये किस आधार पर आप यहाँ पे आए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं एमएलए हूँ जी, आप मैं एमएलए हूँ और पहले से बिहार विधानसभा के अंदर शिक्षक बहाली का मुद्दे पर विधानसभा के अंदर मुखर रहा हूं, न केवल विधानसभा के अंदर बल्कि एक मार्च को आप देखेंगे 2021 में मार्च में हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था शिक्षकों के बहाली के इशू पे। बिहार में जो 10 लाख सरकारी पोस्ट वैकेंट है उस पर लाठियां चली थी, मेरे ऊपर भी FIR लॉज है रोजगार आंदोलन को लेकर। ये हमारे कई विधायकों पर FIR लॉज है MLA बनने के बाद, तो जनता के पक्ष में हम रहेंगे, तो बिहार के नौजवानों के पक्ष में हम हैं। एक सवाल सर, आपकी पार्टी है माले पार्टी, वो हर वक्त नवयुवकों के सपोर्ट में रहती है, अभी नवयुवकों की